नमस्ते भाई और बहनों, हमारे चैनल देखने वाले काफ़ी दर्शक नई नई खेती शुरू करते हैं और हमेशा हमें पूछते हैं कि आप जो टूल्स यूज़ करते हैं वो कौन से हैं और कहाँ से लेते हैं। दूसरा, कुछ अनुभवी किसान भी है, कुछ टूल हमारे पास है जो अनुभवी किसान के भी काम आ सकते हैं। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये खुरपा होता है, अनुभवी किसान को मालूम है लेकिन नए के लिए बोल रहा हूँ। तो इस टाइप का खुरपा आपको नहीं लेना है, ये बहुत छोटा खुरपा है, इस टाइप का नहीं लेना है। आपको ये वाला लेना है जो दराती और खुरपे के बीच में होता है और इसमें दोनों तरफ से धार होती है, तो ये टाइप का लेना है। इस टाइप का छोटा ले नहीं लेना है, इससे तकलीफ होती है ये निकालने में। ये देखिए, ये दराती है, दराती को यहाँ पे दांत रहते हैं और घास काटने में ये काम आती है, तो ये आपके पास एक ज़रूरी है। अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हो तो सब्जी के आजू बाजू में अगर निराई गुड़ाई करनी है तो इस टाइप के छोटे टूल आपके काम आएंगे कभी कभी। बड़े खेत के लिए ये एक टूल बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन छोटा सब्जी का पैच होगा तो आपका ये काम आएगा मिट्टी भुरभुरी करने के लिए। फिर ये जो टूल है ये बहुत काम की है, ये जो टूल है यहाँ इससे मिट्टी पूरी भुरभुरी कर सकते हैं। ये इसका जो निचला हिस्सा है वो मिट्टी को भुरभुर नीचे से ऐसा जो खरपतवार है वो निकालने में काम आता है, और ये जो है स्टार्स वो मिट्टी को भुरभुरा करता है। तो ये बहुत ही काम का टूल है, इसका मेरा अलग सा वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब ये वुल्फ गार्टन का दूसरा टूल है जिसको हम हरी सब्जी लगाने के वक्त यूज करते हैं, बेड़ को थोड़ा भुरभुरा करते हैं इसको खींच के, या फिर इसको खरपतवार निकालने में काम आता है। देखो, इसकी चौड़ाई 4 इंच की है तो दो पौधों के बीच में से खरपतवार निकालने में बहुत काम का चीज़ है। और ये जो रॉड होता है इसे डिटैचेबल है तो आप इसको लगा और निकाल भी सकते हो। ये जो पहला वाला आपने रॉड बताया था उसकी एक खूबी बताना मैंने भूल गया, इसको बाद में एक दूसरा टूल लगा के फल भी निकाल सकते हैं, इतना बड़ा हो जाता है ये, बहुत बड़ा हो जाता है, और इसको लॉक कर दिया तो छोटा भी हो जाता है। ये भी एक बहुत काम का टूल है, मुर्गियों की जो घान है सब वो निकालने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पत्ते कलेक्ट करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर घास कटी हुई घास को भी जमा करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको एडजस्टेबल है, इसकी चौड़ाई हम बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरह से घास इकट्ठा करने में बहुत बढ़िया टूल है। इसका भी एक अलग सा वीडियो मैंने बना रखा है मेरे चैनल पे, वो आप जरूर देखिएगा। फिर ये जो औजार है इसको स्पेड बोलते हैं, इसको ऐसे पैर से अंदर घुसा के जमीन के नीचे के कंद ऐसी चीजें निकालने में बहुत काम आता है। गाजर निकालने में एक नंबर है, गाजर के बाजू की मिट्टी अगर लूज हो गई तो गाजर फटाफट से बाहर आ जाता है। ये जो है हमारे यहाँ पे इसको दत्तारा बोलते हैं, दत्तारे को हम मट्टी ओढ़ने में, जब हम बीज फेंकते हैं उसके ऊपर मट्टी ओढ़ने में काम में लाते हैं, या फिर उससे छोटी छोटी नालियां भी बना सकते हैं अगर आपको पौध बनाना है तो। कुल्हाड़ी सबको मालूम ही है, कुल्हाड़ी फावड़ा ये चीजें मैं अभी वापस से नहीं बताऊंगा। ये हो गए हाथों के उपकरण, हाथों के उपकरण के साथ हम ये पावर उपकरण भी यूज करते हैं। जैसे ये पेट्रोल चलित है, 4 स्ट्रोक इंजन है, ये बैकपैक है, इसको पीठ पे लगाते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं जनरली मोटी टहनियाँ काटने के लिए। देखिए ये जो 80 टीथ ब्लेड है, सॉरी, वो ये ब्लेड से हम बबूल या ऐसी बड़ी वाली टहनियाँ इसको काटने में इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमने अटैचमेंट जुगाड़ हमने घर पे बनाया है इसको यहाँ बिठाया जाता है ऐसा, तो आपके पीठ पे हाथ पे वजन नहीं आता है, ये चक्कों पे वजन चला जाता है। इसी इसी ब्रश कटर को आप ये वाली अटैचमेंट लगा सकते हैं, ये छोटा रोटावेटर जैसा काम करता है, और अगर आपका छोटा सब्जियों का पैच है तो आप इसको सामने से लगा के यहाँ से मिट्टी भुरभुरी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप खरपतवार हटा सकते हैं इसको यूज करके। ये भी इस तरह से यहाँ बैठेगा, आप खरपतवार हटाने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर बीज बोने के लिए, नहीं पहले हम ये देखेंगे, ये जो है जो तुअर आती है अरहर, उसका टॉप खोदने के लिए मशीन है,
इसको हम अपने स्प्रे पंप को लगाते हैं और इससे काटा काट सकते हैं उसका टॉप्स। जब पेट्रोल नहीं अवेलेबल होता या फिर अपने को थोड़ी पतली घास काटनी है या फिर इवन आपने को चारा काटना है तो हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रश कटर ही है लेकिन इलेक्ट्रिक से चलने वाला है। इसको चार्जिंग करके, इसका एक बैटरी पैक है उसको लगा के आप आराम से अपनी फसल काट सकते हैं, घास काट सकते हैं, सभी चीज़ें काट सकते हैं। फिर ये हमारे पास कई टाइप के स्प्रे पंप्स है। ये पंप सिंगल मोटर है, ये पंप डबल मोटर है। डबल मोटर उसके साथ काफ़ी अलग अलग टाइप के नोजल्स मिलते हैं, इसकी जानकारी मैं दूसरे किसी वीडियो में डिटेल भी दूंगा। और ये देखो, गायों पे अगर छिड़काव करना है या बकरियों पे छिड़काव करना है या छोटे पौधे आपके जिन पे अगर कुछ दवा छिड़कनी है तो ये छोटे वाले चीज़ें ऐसे हाथ से पंप मार के इसको काम में ला सकते हैं आप। और जब हमारे पूरे 1-2 एकड़ को अगर हमको कुछ डालना है, खाद डालना है या फिर उस पर कुछ नेचुरल पेस्टिसाइड जो हम बनाते हैं उसके छिड़काव करना है तो ये हमारा देखो हमने घर पे जुगाड़ बना के ये बनाया है। तो इसको हम लपेट सकते हैं। ये पाइप 200 मीटर है और इसको हमने जुगाड़ बना के इसी की डबल मोटर खरीद के यहाँ लगाई है। ये हमारे ट्रैक्टर पे चलता है, ट्रैक्टर में इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फिर ये कुछ प्रूनर्स है। ये प्रूनर अलग अलग टाइप है। ये एकदम छोटी जगह पे ये कर सकते हैं, इसको बड़ी टहनी काटने में बहुत काम आता है। ये कुछ एडजस्टेबल पाने हैं, ये आपको लगते रहेंगे खेती में। ये एक टूल सेट है जो एलन कीज का सेट है उस तो ये भी आपको हर एक मशीन को रिपेयर करने में यहाँ वहाँ लगता रहेगा। तो ऐसा वाला एक सेट आप खरीद के रख दीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बार बार काम आएंगी। ये अरीपान है, खेत में बहुत जगह आपको पाइप काट के जोड़ना पड़ेगा तो ये हैंडल ज़रूर खरीदे। सिर्फ ये खरीदोगे तो आपको काटने में दिक्कत होगी। ये एक छोटा सा सीडर है, अब हम सीडर पे जाएंगे। ये सीडर ना छोटी सब्जियां लगाने के लिए बहुत काम आता है। ऐसे रो बना के इसमें ऐसे घुमाया तो सब्जी लगा, सब्जी के बीच से गिर सकते हैं। उसको जो मैंने पहले वाला हैंडल बताया बड़ा छोटे होने वाला, वो हैंडल यहाँ लग सकता है। ये भी वुल्फ गार्डन कंपनी का है लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, इसका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं है। ये हमारा मल्टी सीडर है, मोदियन कंपनी का है, बहुत बढ़िया है। मूली, चुकंदर, गाजर आदि फसलों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर आपको पौध लगाने हैं सब्जियों के उसके लिए भी ये काम कर सकता है। ये टोकन मशीन है, ये चोच ऐसी खुलती है और दाना गिराती है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। अब हम बिना जुताई खेती करते हैं, इसमें बिना जुते हुए खेत में भी आप अनाज बो सकते हैं, कुछ भी बो सकते हैं। ये जो सब दिख रहा है वो हमने इसी मशीन से बोया हुआ है। फिर ये एक वापस बिजाई की मशीन है लेकिन मुझे खास पसंद नहीं आई, लेकिन लोगों को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इस पर मूंगफली, मक्का आदि चीज़ें आप बो सकते हैं, छोटी बीज इससे नहीं चलती है। हमारा सुकून प्रो जेन 3, ये इलेक्ट्रिक पावर टिलर है। उसको हम ज़्यादातर ट्रॉली लगा के गाय का गोबर, खाद और गाय के लिए चारा ऐसे ले जाने में हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसको टिलिंग इक्विपमेंट भी लगते हैं, इसका अलग एक रोटावेटर भी है जिससे हम खेत की जुताई भी कर सकते हैं। लेकिन हम काफ़ी टाइम से बिना जुताई खेती कर रहे हैं तो हमें इसका उपयोग मेनली सामान ढोने के लिए होता है। ये एक गड्ढे बनाने की मशीन है, ये हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से ही जुड़ जाता है। इससे आप पोल लगा सकते हैं और बड़े पौधे लगाने के लिए भी इसका काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिक है। रोटावेटर है, ये हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लगता है और उससे आप जमीन की 3-4 इंच तक जुताई कर सकते हैं। किसान क्राफ्ट का स्टबल मूवर है, हम जब बिना जुताई खेती करते हैं तो ये देखो, ये STP050 तो पुरानी फसल के सारे अवशेष का चुरा करके ये डाल देता है नीचे। ये देखिए, गायों का ये तो तबेला है, उसकी फर्श धोने के लिए काम आता है। 150 bar का प्रेशर मारता है इसका। ये ब्रांड है स्टार पावर वॉश। इसके साथ ये देखो, ये गन आती है और इससे आप कम पानी में पूरे तबेले को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ये भी हम
काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मिल्किंग मशीन है, अभी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी है। गोधन कंपनी का मिल्किंग मशीन है, ये 20 से 22 हज़ार में आपको मिल जाता है। देखो ये हमारा कुट्टी मशीन है, चाफ कटर। इसमें बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं चलती, लेकिन ये इसमें दो गियर सिस्टम है, इसमें पतला और मोटा काट सकते हैं, तो गायों को चारा डालने के लिए ये बहुत बढ़िया है। ये देखो ये एक्स्ट्रा पावर नाम की कंपनी है, 2.2 किलोवाट है, तो हमारे जो इन्वर्टर है उस पर भी ये चल जाता है।